जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप लोग ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपकी PT यानी कि रनिंग वगैरह कितनी होती है और क्या आप लोग उसको कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जब आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो तो आपकी रनिंग की शुरुआत सबसे पहले वॉकिंग से करवाई जाती है, फिर आप लोग जॉगिंग करना शुरू करते हो और फिर आपसे रनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग जितने भी दिन रहोगे, आपको कभी भी पैदल चल के नहीं जाना है, आपको दौड़ करके जाना है, यानी कि हमेशा आपको दौड़ते हुए जाना है। आप कहीं भी जाओगे दौड़ते हुए जाओगे। मॉर्निंग में आपकी PT होती है, PT में आपको एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। और फ्रेंड्स, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आप लोगों के साथ दौड़ते हैं। जब 30 लोगों के ग्रुप में आप दौड़ोगे तो अगर आपको दौड़ना नहीं भी आता है तो भी आप लोग बड़ी आसानी से दौड़ जाओगे। तो फ्रेंड्स, जब आप लोगों की 5.5 महीने तक दौड़ करवाई जाएगी तो उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसको हम PT टेस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको PT टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रेनिंग में आपसे क्या करवाया जाएगा। PT टेस्ट में 2400 मीटर की रनिंग होती है, जो कि आपको 12 मिनट में कम्प्लीट करनी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 30 पुशअप, 6 पुलअप, 30 सीटअप, ये सब आपके PT टेस्ट में इंक्लूड रहते हैं। इसके अलावा जैसे हॉर्स जंप, आपको थर्ड क्लास रोप चढ़ना होता है, जिसको हम रस्सा चढ़ना भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको सिखाया जाता है, यानी जिसने अब तक रनिंग नहीं की है, अगर वो मेडिकली फिट है तो फ्रेंड्स वो इजीली ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएगा। CISF की ट्रेनिंग हार्ड होती है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग मिनिस्ट्रियल में भर्ती हो रहे हो, आप दौड़ पास करके भर्ती नहीं हो रहे हो, तो आपको उतना ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है जितने की कांस्टेबल GD की करवाई जाती है। जब आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तो ये सब आपकी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहता है, लेकिन जब आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूनिट में चले जाते हो तो फ्रेंड्स, वहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको हर रोज़ सुबह PT में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वहाँ डेज डिसाइड होते हैं कि आपको वीक में 3 दिन PT करने के लिए जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि 3 में से आपको 2 दिन PT करनी पड़े, 1 दिन परेड करनी पड़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन आपको परेड करनी पड़े और 1 दिन PT करनी पड़े। फ्रेंड्स, आप लोग जब यूनिट में होते हो, जब आप लोग ऑफिस में ड्यूटी करते हो, तो आपको शाम के रोल कॉल में मिलना नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ऑफिस में काम ही इतने हो जाते हैं कि आप लोग शाम को ना तो स्पोर्ट्स कर पाते हो और ना ही आप लोग PT में मिल पाते हो। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग स्पोर्ट्स और PT दोनों कर सकते हो, लेकिन अपने टाइम में आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स में शाम को 5 बजे रोल कॉल होता है और PT अब शुरू हो जाती है, लेकिन आप 6-7 बजे तक तो आप लोग अपने ऑफिस में ही होते हो, तो आप लोग PT परेड कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, शाम के टाइम में आपको ऑफिस में ही रहना होता है। जो आप लोग यूनिट में PT करते हो वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, क्योंकि उसमें हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया होगा। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।